सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jamil Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. मुल्की सियासी फजा में हवाओं का रुख बदल रहा है। हमने माजी में देखा और माजी करीब में देखा कि किस अंदाज से हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड ब्लॉक बना और 11 जमाती इत्तेहाद PDM की सूरत में सामने आया। फिर वक्त ने यह भी देखा कि उस 11 जमाती इत्तेहाद के अंदर से दो बड़ी जमातें निकल गईं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP शामिल थी, और बाकी जो 9 जमाती या 8 जमाती इत्तेहाद बचा उसके अपने अंदर एक बयानिए की तकरार ने रिफ्ट सामने रख दी। अब आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर दो बड़ी शख्सियात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, नवाब सनाउल्ला जहरी और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच। इनके बारे में पहले से ही ये चैमगोइयां हो रही थी कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्पेस है उसमें अगर कोई जमात इस वक्त जगह बनाती हुई नजर आती है तो वो पीपल्स पार्टी है, उसके लॉजिकल एविडेंसेस हैं। आप देखिए कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पहले जो इंतखाबात हुए थे उसकी नस्बत 2021 के इंतखाबात में 3 गुना ज़्यादा सीट्स ली हैं। ज़मीनी इंतखाब में देखें तो कराची के अंदर एक बड़ी सीट मार गया जो कि पीपल्स पार्टी की सीट नहीं थी, PTI की सीट थी, फैसल बॉर्डर साहब की सीट थी, वो पीपल्स पार्टी ले गई। इसके अलावा अंदरून सिंध के ज़मीनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जगह बना रही है, जबकि अगर वफाक और पंजाब में देखा जाए तो जो रिफ्ट खुद हुकूमती हलकों के अपने अंदर पाई जाती थी दो ग्रुपों की सूरत में, एक जहांगीर खान तरीन ग्रुप और एक वफाक का ग्रुप, वो रिफ्ट अब किसी तौर कम होती दिखाई इसलिए देती है कि खुद JKT ग्रुप के अंदर एक और रिफ्ट क्रिएट हो गई है। तो मुल्क के अंदर जो सियासी फजा है वो बदलती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ये फजा क्या डेवलपमेंट लेकर आएगी, ये जो मुल्की सियासी निज़ाम का या इस ट्रेन का जो ट्रैक है वो कितना डी ट्रैक कर सकता है किसी ट्रेन को। हमारी पाक रेल वैसे ही बहुत सारे मसाइल का शिकार है, तो ये पॉलिटिकल रेल कितने मसाइल का शिकार रहती है। पाक रेल की जुबू हाली का तमाम तर जवाब बताया जाता है कि माजी इसकी जुबू हाली का रीज़न बनता रहा है, तो पाक पॉलिटिक्स की जो रेल है उसकी जुबू हाली का रीज़न भी क्या माजी है। ये वो तमाम सवाल हैं जिसके ऊपर बात होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #PoliticalTrack। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरे प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं जनाब सेनेटर आजम खान स्वाति साहब, वफाकी वजीर बराए रेलवे और पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान। मैं वफाकी वजीर बराए रेलवे सेनेटर आजम खान स्वाति साहब को इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ज़ेर इंतज़ाम ट्रेन के निज़ाम पर बात करने से पहले हम सियासी ट्रेन की बात कर लेते हैं। नवाब सनाउल्ला जहरी साहब और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है, तो क्या अब हवाओं का रुख बदल रहा है और ये बता रहा है कि मुमकिन इंतखाबात में चीज़ें कुछ दूसरी तरफ हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। साहब दरअसल बहुत सारे आपके चाहने वाले आज मेरे इस प्रोग्राम से ज़रूर थोड़े खुश होंगे, थोड़े नाराज़ होंगे, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से TV पे नहीं आ रहे। दरअसल रेलवे का इतना जो है मुश्किल काम है रेलवे मिनिस्ट्री का, और फिर यह कि सेनेट में चूंकि मैं पार्लिमानी लीडर हूँ वहाँ पर भी काम है, फिर मुख्तलिफ जो हमारी कमेटीज़ हैं, लॉ एंड जस्टिस है, पार्लिमानी उमूर है, इस तरह, तो उस मसरूफियत की वजह नहीं कि मैं नहीं चाहता कि मैं कम से कम जो है TV पे जाके अपना माफी ज़मीर या पार्टी का माफी ज़मीर अदा करूं, लेकिन बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने कंसीडर किया। आप तशरीफ लाए, कश्मीर का इलेक्शन था आज, चूंकि वोटिंग हो रही है इसलिए मुझे टाइम मिल गया, वरना यह है कि कल तक में जो है ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन के अंदर जो है चूँकि हमने पूरा पैनल खड़ा किया, और खुदा करे कि आज नजीब हारून साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के लिए भी, और वैसे भी उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, बड़ा आनेस्त दयानतदार इंसान है, कमिटेड इंसान जी। देखें मैं एहतियात से कोशिश करूंगा कि अपने अल्फाज को चुनाव करूं जी, और
उस जज्बात के अंदर ना हूँ जिस जज्बात से आपने इसका सवाल किया है, आगाज किया है और इंटेंशन है आपकी, लेकिन मैं एहतियात करता हूँ। करें लीडरशिप होती है मॉरलिटी से, इखलाक से। अगर इस कुर्सी पे बैठा हुआ आज़म सवाती जिस तरीके से आपके कुछ एंकर जो है अपने मुफादात के लिए मुख्तलिफ किस्म की, जी ये 5 GIT के GIT में देखें तो कुछ भी नहीं है, मेरी माँ ने मेरा नाम चेंज किया, मेरे बाप ने चेंज किया, उसका क्या है, या दूसरा है या तीसरा है, या साकब निसार का गन था। इसके अलावा मुझे कोई एक चीज़ या ये है कि एक दफ़ा इन्होंने पूरी एक मूवी बनाई है कि जी 1 मिलियन का जो है मैंने किसी को नोट दिया, तो नोट कभी 1 मिलियन नहीं होता, उसको देखे तो रबिश है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क पाकिस्तान का और इमरान खान का ये सपाही इस दावे से कह सकता है कि आनेस्टी के ऊपर, मुल्क की आनेस्टी के ऊपर, ना मेरा कोई कारोबार है, ना मेरा जो है कोई, ना मैं सिफारिश का कायल हूँ, इसलिए अपने हल्के के लोग, मानसरा के लोग भी तंग हैं, कभी सिफारिश नहीं कराते। मॉरलिटी जो है ये आपका बेंचमार्क है किसी भी लीडरशिप का। अब मैं बिलावल को देखूं, जरदारी को देखूं, और फिर सर मेरे जो है सगून होते हैं दुनिया के अंदर। मैं तो अपनी इस कौम के ऊपर जो है नाराज़ हूँ, पाकिस्तानी कौम के ऊपर, कि हम चोरी करते हैं और हमारे गाड़ियाँ जाती हैं उसके ऊपर फूल फेंके जाते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि क्या सियासत के अंदर हमारी अखलाकियात इतनी कम हो चुकी है कि ज़ातियात से बालातर जिससे नेशनल का, जिससे आपकी कौमी विरसे का, कौमी एसेट का तलक है, वहाँ पर आप अगर जेरी साहब और जितने भी लोग गए हैं, क्या मुकद्दर, क्या मुकद्दर है? वक्त के साथ साथ हवा तो बदलती है ना, जैसा 2018-13 में हमने देखा पीटीआई की तरफ लोग गए, अब उधर जा रहे हैं, तो ये सवाल तो बनता है। और दूसरा, जहाँ तक बात आपने मोरालिटी की है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, टेक्निकल बात है मोरालिटी की, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में मोरालिटी है कहाँ? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, नहीं देखें, इसमें हमारे जमहूर का कसूर भी ज़रूर है कि हमारी अखलाकियात को इस कदर नीचे लाया गया है जी कि लीडरशिप जो है आप मॉरलिटी के ऊपर नहीं खड़ी। आप खुद देख लें एक रास्ता बोर्ड कि अगर मुझ पे एक इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम साबित भी है, मेरे अकाउंट से 25 अरब रुपया निकलता है सर जी, साबित किसने करना है सर? नहीं बात सुने ना, साबित तो हमने करना, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक है, नैब की बात कर रहा हूँ। ये सारी बात ही सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मेरे अकाउंट से 25 अरब रुपया निकला है या नहीं निकला? अगर निकला है तो क्या ये दुनिया की नजर के अंदर नहीं, किसका पैसा है? नहीं, इमरान खान किसकी जंग लड़ रहा है, अपनी जंग लड़ रहा है? आई सेकंड यू कि अगर निकला है और आपके पास प्रूफ्स हैं कि निकला होगा, तो बहुत बड़ी करप्शन है, मैसिव करप्शन है, लेकिन साबित किसने करना है? मैं ये कह रहा हूँ ना जी कि बिल्कुल आप जो जायज कह रहे हैं ना कि नैब के सारे केसेस को देख रहे, लोगों को बंद किया हुआ है, वही बड़ा अच्छा काम किया है इस चेयरमैन नैब ने, बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे उससे क्या फ़ायदा है? इमरान खान का जो बयानिया था जी कि सबसे पहले हम आके चोरों डाकुओं को जो है सजा देंगे, वो सजा इसलिए नहीं मिल रही कि हुकूमत का उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं, आपकी नैब की प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, माशाल्लाह अदालतें, आप ज़रा देख लेना। अगर मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे ये नहीं होगा, मनसूब नहीं होगा कि मेरी बीवी का ये एसेट जो है कहाँ से आया है, और अगर उसकी पूरी ट्रेल में नहीं दे सकता तो मैं फिर क्या करूँ, कौन सा इंसाफ जो है मैं मुल्क को दे सकता हूँ? नहीं तो फिर अकाउंट, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा, मेरे बच्चों का भी जो गो के डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट मुझ पर नहीं है, मेरी वाइफ मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर उसके तो हम करीब भी नहीं जा सकते ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या खुल्फ़ाए राशिदीन के, उसके तो करीब भी, उसके तो पाँव की मिट्टी के बराबर भी हम नहीं हैं। लेकिन दुनिया में जो कौमें इस वक्त, जो कौमें इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रही हैं, अपने उस रीजन के ऊपर हुकूमत कर रही हैं, उनके लीडरशिप को देखें। एक मामूली जैसी जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर वाकिया होता है उसकी ज़ात का, कि मतलब मामूली सा, हम समझते हैं कि आज की इस मॉरलिटी के अंदर मामूली सा, और वो इस्तीफा दे देता है। इसी तरीके से दुनिया की मिसालें आपके सामने हैं, किस किस लीडरशिप ने कहाँ इस्तीफा दिया, लेकिन यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ मैं ये कहता हूँ कि जेरी साहब जाएं,
मेरे जो दूसरे साहब हैं वो जाएं या तीसरा जाएं। आपके ऐसे इस्तीफों से रिलेटेड एक सवाल है, आई होप कि यू वोंट माइंड माय क्वेश्चन, बट द थिंग इज के जिस वक्त ट्रेन का हादसा हुआ है डहरकी के पास, तो उस वक्त पब्लिक की डिमांड बड़ी थी, सोशल मीडिया पर बड़ा दबाव था, आपके ऊपर भी यकीनन प्रेशर होगा, आप वहाँ खुद पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर ने आपको जहाज़ दिया, आप गए वहाँ पर विज़िट किया, आपने भी यही कहा कि अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से लोग वापस आ सकते हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। देखिए उसमें तो सुन ले मैं बिल्कुल बिल्कुल जायज़, दुनिया में ऐसा देते हैं, दुनिया में देते हैं, लेकिन आप ये ज़रा देखें कि जो दुनिया का रेलवे का निज़ाम है वो क्या है। इस रेलवे के निज़ाम को जो है मैं आज अभी थोड़ी देर पहले आपको ये तस्वीरें दी हैं, ये वो रेलवे मुझे मिला है जिसको चलाएं जी, पीसीआर में तस्वीरें चलाएं, जिसको मैं ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। पानी में डूबा हुआ ट्रैक है, टूटा हुआ ट्रैक है, वो तो ठीक 6 महीने में ठीक नहीं हो सकता। और खुदा का शुक्र है और अल्लाह का शुक्र है कि जिस जिसने किया रिपोर्ट आ चुकी है कल, जिस जिसने किया है, क्या मैं उनको रियायत नहीं, कतन नहीं, 66 कीमती जानें जो हैं उसके अंदर जो है वो शहीद हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि हम सब उसके अंदर जिम्मेदार हैं, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर वो 66 जाने, और मैंने मजाक कर नहीं कहा था, हालांकि बहुत सारे उसको मतलब बड़े अजीब तरीके से जो है पोर्ट्रे किया, मेरा कहने का ये मकसद था कि अगर कोई भी इसका जिम्मेदार है सबसे पहले मैं जिम्मेदार, और अगर मेरे इस्तीफा देने से खुदा ना ख्वास्ता नुकसान का अजाला हो सकता तो मैं तैयार हूँ, आज भी तैयार हूँ कि मेरी किसी गलती, देखे ना आप किसी आदमी को भी कहेंगे या कोई आदमी इस्तीफा देगा तो महज इल्ज़ाम की वजह से तो नहीं ना, महज इस वजह से देगा वो आपका इस्तीफा कि उस पर वो चीज़ साबित हो चुकी। लेकिन आज़म स्वाती साहब, आप वज़ीर रेलवे तो बने हुए अभी 6 या 8 महीने हुए ना, आपसे पहले शेख रशीद साहब थे, उससे पहले साद रफीक साहब थे, उससे पहले शेख रशीद साहब थे, ये तो चलता आ रहा है, तो आप ही की गवर्नमेंट में बैठे हुए जो लोग जो पहले मिनिस्ट्री यही वाले देख रहे थे उनके ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना यार, आप 30 साल के उस दौरे इकतदार को चैरिश करते रहे, आप तो अभी आए, चले आपको अगर हम लीवरेज देते हैं, उनसे तो पूछें, उनको तो अकाउंटेबल ठहराएं। सर मैं हमेशा उन्होंने क्या किया, मैं हमेशा की जवाब देता हूं जी, ये बेहतर होगा कि वो अपना डिफेंस खुद दें। नहीं डिफेंस की बात नहीं, दिस इज नॉट अबाउट डिफेंस, दिस इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी सर। मैं वही अकाउंटेबिलिटी, मेरा ये ख्याल है कि अगर वो आके खुद जो है बताएं कि क्या क्या बाज ने बहुत अच्छा काम किया, मैं क्यों उस डिटेल के अंदर जाऊं, मैं इस बात का जिम्मेदार हूं कि जब 15 दिसंबर 2020 को जो है मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद एक एक मिनट का मैं ज़िम्मेदार हूं, और इंशाल्लाह ताला आपके पहले प्रोग्राम के अंदर मैं कह रहा हूं कि खुदा के फजल से रेलवे जो है बहुत जल्द अपने नुकसान से निकलेगा, इसलिए प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह बनेगा, सुन लेना, 1,32,000 लोग जो हैं हमारे पेंशन के ऊपर हैं, जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लोग आए यहाँ पे काम किया नहीं किया चले गए, लेकिन जिम्मेदारी ज़रूर है, हालांकि अगर ये इसको बिजनेस मॉडल के ऊपर करते तो इसका और भी बहुत सारा ऐसा तरीका था कि इतना बड़ा जो है 50 अरब का हर साल ये आपको ना उठाना पड़ता, अब ये है कि 50 साल से ऑपरेशनल लॉसेज हैं, 50 साल से मैं फिर डिफाइन करता हूं ताकि आपके नाजरीन अंदरूनी मुल्क को बैरूनी मुल्क समझ सकें, इस पेंशन के अलावा भी अगर पेंशन को मैं अलग कर दूं तो इसके अलावा भी 50 साल अभी तक नुकसानात हैं, 1.3 ट्रिलियन रुपए के नुकसानात हुए हैं रुपीज़ में 1.3 ट्रिलियन के, ठीक है, अब जो है हम ये कर रहे हैं कि उसको एक अलग अकाउंट में डाल रहे हैं ताकि आम आदमी को ये पता चले तो वो खसारे से कैसे निकलेंगे हम। मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह ताला सर फ्रेट का इंशाल्लाह ताला 25% 30% जो है ज़्यादा होने जा रहा है, जितनी भी आपकी पैसेंजर ट्रेन है उसके अंदर, इसी तरीके से जो है बहुत बड़ा मैं काम करने वाला था, मैं उस तरफ आता हूँ, जगह जगह टर्मिनल बनाए जा रहे हैं इस वक्त ऑन प्रोसेस हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जगह जगह पर जो है हम ऐसी इंटरवेंशन कर रहे हैं, जिस तरह ड्राई पोर्ट्स हैं, बहुत बड़ी ड्राई पोर्ट्स हैं, बहुत बड़ा रेलवे का पैसा खर्च हुआ, आमदन जीरो, इसलिए कि मेरे लोग मिलकर उन्होंने ठेके दिए, उन सारों को जो है हम इंशाल्लाह ताला जो है कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी तौर पे ख़त्म हो, नए ठेके लिए जाए, 4 गुना 5 गुना 600 गुना ज़्यादा जो है प्रॉफिट उससे मिल सके, और मिलेगा ज़रूर, इसलिए कि वहाँ ऑन पेपर है या प्रैक्टिकली अब इंप्लीमेंट होने जा रहा है। सर ऑन पेपर इस वक्त काम शुरू हो चुका है, जिस तरह लाहौर ड्राई पोर्ट जो है
बॉन्डेड है और अनब्रांडेड, दोनों पे काम शुरू हो चुका है। लाहौर ड्राई पोर्ट जो है इस वक्त एडवर्टाइजमेंट करके मेरा 25 तारीख को खुल रहा है, जो इस वक्त हम पैसे बना रहे थे अपने आदमियों के जरिए से, हमारा काम नहीं है चलाना, आउटसोर्स करके हम 200 गुना 300 गुना ज्यादा करेंगे, आप देख लेंगे, बिट खुलेगी तो पता चलेगा। लेकिन ये कितने टाइम फ्रेम के अंदर करने का प्लान है आपका? सर मेरा मैंने अपने लिए जो डेडलाइन दिए है 31 दिसंबर 2021, यानी नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के अंदर आप इस पांच महीने रहते हैं। हाँ जी, ये मिराकल नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, ये मिराकल है, यही लोग हैं। इटसेल्फ इज अ मिराकल सर, ये यही लोग हैं। हाँ। इन्हीं लोगों को आगे लगाया है। हाँ। सिर्फ एक चीज है कि उनके मिनिस्टर का टोटल खर्चा सिफर है और ये बता दिया है कि देखें चीफ अकाउंटिंग अफसर कौन होता है, मेरा सेक्रेटरी होता है ना, सारे अमले को बता दिया है कि आपका जो चीफ अकाउंटिंग अफसर है वो देख ले, दूसरा देखे, अगर सिफर है तो फिर मैं काम जो है सबसे लूँगा। और खुदा का शुक्र है टीम बना दी है, तकरीबन बन चुकी है, कुछ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसका एक ही हल है सर, मैं अपने सारे मिनिस्टर साहिबान को और सारे जो इस वक्त स्टेट एंटरप्राइज रन कर रहे हैं उसका एक ही हल है जी, कि अगर आपने करप्शन मिसमैनेजमेंट इनएफिशिएंसी से निकाल के स्टेट एंटरप्राइज को निकाल के कामयाब बनाना है, आईटी इसका इंटरवेंशन हो जो इमरान खान बार बार कह रहा है, जब तक आप सब चीज़ों को डिजिटलाइज नहीं करेंगे, और ये अल्लाह का करम है कि 6 महीने की इंटरवेंशन के साथ ये जिस दिन आईटी पे चली गई ये मुनाफा बख्श हो गई। आप लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? देखें प्राइवेटाइजेशन का गलत, आउटसोर्स करना जो है सर प्राइवेटाइजेशन, अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है, प्राइवेटाइज करना या आउटसोर्स करना, इन दोनों में फर्क क्या है? ओहो, बड़ा इस रेलवे के नहीं, आम आदमी के लिए, मुझे तो समझ में आता है आम आदमी के लिए। सर जीनियस क्वेश्चन किया है, इतना जबरदस्त क्वेश्चन किया है कि आम आदमी इसको नहीं समझ। वही मैं पूछ रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन ये है सर जी कि चंद दिन पहले हम मेरा ख्याल है पता नहीं 14 या कितनी ट्रेनें जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे थे, ठीक, प्राइवेटाइज ये अब लोग समझ जाएंगे कि निजकारी कर रहे थे उसकी, निजकारी कर, क्या निजकारी है सर? नहीं, निजकारी भी एक और लफ्ज़ है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली क्या है रेलवे के अंदर क्या निजकारी कर रहे थे? जो इन्वेस्टर है वो एक लेके आएगा कुर्सी अपनी और 3-4 करोड़ रुपया, ठीक है, मुल्क पाकिस्तान का अरबों की ट्रेन है, अरबों की ट्रेन है, पूरा अमला है, लोग हमारे, ट्रेन हमारी, उसकी ओवरऑलिंग हमारी, उसका ठीक करना हमारा, चलाना हमारा, और एक आदमी का कहाँ चलाना हमारा, एक आदमी 3-4 करोड़ रुपए के अंदर जो है वो निजाकारी कर रहा है यार, ये कोई वो करेगा क्या उसके अंदर, उस 3-4 करोड़ से क्या करेगा? उसके अंदर सिर्फ ये करेगा कि जो हम चोरी कर रहे हैं ना जी, हमारे जो लोग हैं, अलेजली जो लोग चोरी कर रहे हैं, अलेजली जो लोग चोरी कर रहे हैं उस पर उसका कंट्रोल होगा और मुनाफा बख्श हो जाए, इतना सा काम है उसका। यानी आप ये है चेक एंड बैलेंस के लिए आपने एक ठेका दे दिया जो उसको देखेगा, ये गलत है। हाँ। होना इस तरह चाहिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट हो, यही मैंने अपने लोगों को बताया, क्या वो जब 6 साल 2 साल के बाद या 1 साल के बाद जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, सारी मेरी ट्रेन इसके अंदर जो है हर 36 महीने के बाद जो है पूरी तरह ओवरऑल होगी, ऑर्डर आ चुकी होगी, उसके अंदर जो है 30-40 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए खर्च को कौन देगा? मैं दूंगा, तो फिर मेरा मुझे मतलब जरूरत किसकी है? ये अब डिजिटलाइजेशन से भी ठीक कर रहे हैं और उस आदमी को कह रहे हैं देखिए पार्टनरशिप करें आप हमारे साथ, ये निजकारी आउटसोर्सिंग इस तरह नहीं होगी, आप बाकायदा तौर पर इन्वेस्ट करें रेलवे के अंदर, कौन से पार्ट पे करते हैं, इंजन में करना चाहते हैं, ट्रैक पे करना चाहते हैं, आप बोगियों में करना चाहते हैं, बोगियों में करना चाहते, किस में करना चाहते हैं, हमें वो तरीके कार बताएं, उसी तरीके से हमारी कास्ट एक्सपेंसेस का होगा। दिस इज व्हाट यू टोल्ड अबाउट द प्राइवेटाइजेशन, लेट्स टॉक अबाउट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है वो मैं, आपने डिफरेंस बताना था ना, आउटसोर्स एक मतलब है, इसके अलावा मैं दूसरा जो है आपको बता रहा हूँ, जिस तरह ड्राई पोर्ट लाहौर इस वक्त जा रहा है, हमें तकरीबन कोई 72 लाख रुपए के करीब, 1 करोड़ रुपए के करीब जो है महीने का बनता था, उसके अंदर हमारा बहुत बड़ा अमला जो है था, और जब अमला हमारा होता है फिर आपको सूरत हाल का पता है, इसलिए कि उनके 25 से 30 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है, से लुक्रेटिव ड्राई पोर्ट, कस्टम सारा बॉन्डेड माल आता है, उसको चेक करते हैं, मतलब चेक तो कस्टम वाले करते हैं, लेकिन उसकी वेइंग है, उसका जो है हैंडलिंग है, उसका जो है क्रेन हैंडलिंग है, उसका लेबर हैंडलिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लेगा,
इस सारे के अंदर जो है उसको डबल ट्रिपल तीन गुना पैसे एट द कास्ट ऑफ पाकिस्तान रेलवे। मेरा काम ये नहीं है ड्राई पोर्ट चलाना, मैंने बना के अपने इन्वेस्ट करके एक एक ड्राई पोर्ट के अंदर 800 बिलियन हमारी जो है खर्चा, 800 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगों के टैक्स के पैसे का क्या है। हमने एडवर्टाइज कर दी कि भैया सारी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद हैं, आप आए, कस्टम वाले बैठे हुए हैं, बैंक बैठा हुआ है, सर्विस दें और सर्विस देगा प्राइवेट आदमी और वो हमको देगा, मैंने जैसे बताया 100 गुना ज्यादा, 200 गुना ज्यादा, 300 गुना ज्यादा। मेरे आदमी जो है माफी से कहता हूँ, ये नहीं कि मैं अपने आदमी अभिषेक करता हूँ, करप्शन से दूर अपना ट्रेन चलाओ, ट्रैक को चलाओ, आप अपने स्टेशनों को जो है ख्याल करो, आपका काम ड्राई पोर्ट का नहीं है। ड्राई पोर्ट जो है प्राइवेट पार्टी जो है उसको चलाएगी, जो आपको 3 गुना 4 गुना मतलब 400 गुना ज्यादा जो है पैसे देगी और इस जो ब्लीडेड आपका रेलवे है हाँ। वो इंशाल्लाह ताला जिंदगी की सांस लेना जो है शुरू हो जाएगी और ये शुरू हो चुका है और ये जो पैसे की ब्लीडिंग हो रही थी उसके अंदर से वो बच जाएगी, यानी करप्शन रुक जाएगी। अच्छा। और ट्रांसपेरेंट देखें जी, उसके अंदर तो कर ही नहीं सकते ना, इसलिए कि जब यानी ये चीज तो कंफर्म है ना कि यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, जो एक्चुअल वर्ल्ड इस्तेमाल होता है कि ये पूरा इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पीआईए प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्टील प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हमारा कांसेप्ट जो है सिर्फ ये है कि सर्विसेज अच्छी हो, मोनोपोली किसी की ना हो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या रेलवे को जो है देखें कितना बड़ा नुकसान है। आपके इस वक्त मैं 2003 से सेनेट का मेंबर हूँ, हर दफा हर हुकूमत जो आई है मुशर्रफ से लेकर अभी तक हमारे तक कि हमने सबसे पहले इसको मतलब जो आउटसोर्स करते हैं कि इससे अपनी जान छुड़ाएंगे, पीआईए से, पाकिस्तान रेलवे से, क्या हो रहा है 1.2 का नुकसान है साल का, कितना रेलवेज का, सारे जितनी भी सारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी इंस्टीट्यूशन है 1.2 ट्रिलियन का साल का नुकसान है। आपका मैक्सिमम जो है इस वक्त टैक्स का पैसा जो आ रहा है वो 5,000 अरब और उसमें से 1.1 हजार अरब जो है वो आपका लास्ट में चला गया। आपका 1.2 में आपकी पूरी आर्मी चल रही है, 1.1 हजार अरब इतना लॉस हो रहा है कि उतने में आप अपनी आर्मी खड़ी कर सकते हैं, आर्मी खड़ी कर सकते हैं, इस आर्मी को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सर वो हाउ टू बेल द कैट मसला सारा यही है। मैं वही कह रहा हूं ना जी कि कोई हुकूमत कामयाब नहीं, उसकी वजह यह है कि छोटा, जैसे इमरान खान बड़ी जबरदस्त काम करता है, छोटा तबका आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब मैं आता हूँ, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। क्या आपकी जितनी प्रॉपर्टी है रेल पाकिस्तान रेलवे की, कल या परसों मैंने एक उसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने जो है उसको भेजा कि रोजावेल्ट होटल के साथ, जी 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 जी, वो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने वहां पे बताया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के बीच में एक बंद बड़ी बिल्डिंग, कितना बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन माफिया आपको नहीं करने देगा। हम इस वक्त जो है पाकिस्तान रेलवे की बहुत बड़ी ज़मीनें, मैंने उसी के ऊपर लिखा अपने सारे मिनिस्टर्स को कि एक रोजवेल्ट को छोड़ें, पाकिस्तान रेलवे की हर शेयर के अंदर जो ज़मीन है जी, जिसको आपका तन एक इंच में बेचने नहीं दूंगा खुदा के फजल से, नहीं इमरान खान बेचेगा, लेकिन रोजवेल्ट है, हर शेयर के अंदर आपका रोजवेल्ट है। आज तक आपने क्या कमाया, ज़ीरो। इमरान खान बड़ी ज़बरदस्त का, छोटा जैसा मुफाद प्रस्त तबका आपको ये काम करने नहीं देगा, हर डर डालेगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, चूँकि 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो रेलवे के प्रॉपर्टी के लिए मसीहा है, आप यकीन करें कि जितने हमारे मुकदमात थे, जितना जो है माफिया ने जो है जगह जगह पे कब्जा किया था, उस अल्लाह वागुजार कराने के लिए उन्होंने जबरदस्त काम सर किया। आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। आज़म खान स्वाति साहब, वफाकी वजीर बराए रेलवे, हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि रेलवे के इशू के ऊपर हम एंड में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वो इतनी डेवलपमेंटल चीज़ों के, और ये इटसेल्फ ये बड़ी खबरें हैं कि वो डेडलाइन दे रहे हैं कि दिसंबर 2021 तक हमने ये करना है, हमारी आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, पब्लिक इसको मिस इंटरप्रेट कैसे करती है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माजी में क्या क्या होता रहा, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो रेलवे से एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है हमें पता भी होनी चाहिए। मजीद जो हमारी सियासी ट्रेन है उसकी बोगियों के अंदर जो डगमगाहट है और वो जो हचकोले खा रही है, वो क्यों खा रही है सियासी ट्रेन, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। वफाकी वजीर बराए रेलवे सेनेटर आज़म खान स्वाती साहब एक्सक्लूसिवली वन ऑन वन नेशनल डिबेट में हमारे साथ हैं। अगेन वेरी वार्म वेलकम सर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, वो तो सारा जो डेवलपमेंटल एक साइड है वो आपने बता दी, बट द थिंग इज़ के पिछले 32-40 साल के अंदर, बहुत दूर नहीं चले जाते, 32-40 साल के अंदर जो जो कुछ हुआ इस डिपार्टमेंट के साथ, इस स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी या सिर्फ हम ये तवक्को करें कि अब आगे जो आ रहा है यहाँ से तो आपने ठीक करना शुरू कर दिया, जो पीछे करके गया है उससे कौन सवाल करेगा? सर सरोज चौधरी शुजात साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कहा था कि अगर हमारी अदलिया, हमारे इदारे इतने कमज़ोर हैं तो फिर मिट्टी पाओ। दुख होता है ना जी कि अगर मैंने अपने स्टेट इंस्टीट्यूशन को नुकसान दिया है, वो सारी फाइलें पड़ी हुई हमारे पास, कोई ऐसा तो नहीं, जिस ने हमारे किसी अफसर ने, बाहर ने, मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने जो नुकसान दिया वो सामने पड़ी हुई है, क्या मैं उसके अंदर लग जाऊं? या इस वक्त आप देख लेना कि पूरे पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर भी आपके चैनल को वॉच किया जाता है। जी जी, ये आज की तस्वीर मेरे ट्रैक की जरा बता दें। वो मैंने दिखाई है यार, ये जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा पीसीआर, आप जरा ये तस्वीर दिखाइएगा जो आज पूरी दुनिया को बता दे, लेटेस्ट रेलवे की तस्वीर दिखाएं। क्या दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, सब सारा कंट्रीज के अंदर भी ट्रेन के जो ट्रैक है उसकी सूरत हाल ये है, कौन इसका जिम्मेदार है? अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पहले कर गए ना, मैं उसका जवाब भी नहीं देता। मेरी बात करें कि अकाउंटेबिलिटी जो है वही 15 दिसंबर 2020 से जो है मैं उसके लिए तैयार हूँ खुदा के फजल से, और दुआ कर रहा हूँ कि खुदा ताला रेलवे को एक्सीडेंट जो लोग माजी में कर गए उनके लिए तो कुछ करना होगा ना। आखिर आप वो उसका एहतसाब का नारा लेकर आए थे ना आप, आपसे तो नहीं पूछ रहा हूं। पावरफुल मीडिया है, नैब है, एंटी करप्शन है, नए नए इदारे हैं। आपको नहीं लगता कि नैब को खुद अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है? नैब और एफबीआर दोनों को खुद अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है? कोई शक नहीं है, ऐसा ही है ना? कोई शक नहीं। आर दे परफॉर्मिंग वेल? नहीं, उसकी वजह यह है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए ना, मैं अगर ऊपर बैठा हुआ हूँ जी और नीचे प्रोसिक्यूशन की सूरत है, और प्रोसिक्यूशन की हालत क्या है? बहुत खतरनाक हद तक भी है सर। मैं रेलवे के केसेस जो है कोर्ट के अंदर हार रहा हूँ, देखे ना, बुनियादी तौर पर किया है, और ये इंशाल्लाह डेवलप होगा जी। 39,000 रुपया मेरा वकील जो है जाके हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ता है, 39,000 रुपया यही अलाउड है, कुछ भी नहीं है। या अगर कोई टॉप का कोई केस है तो सेक्रेटरी के पास इख्तियार है, 3,00,000 दे सकता है। आप समझे ना जी? जी, और उसके मुकाबले 5 करोड़ का वकील आ जाता है। आप ये देख रहे हैं ना कि हज का कितना बड़ा केस था जी, जी, टेक्निकल ग्राउंड पे वो चला गया अल्लाह के नजदीक। आज मैं कहता हूँ उसने उस फेडरल मिनिस्टर ने मुझ पे जो है, पुराने फेडरल मिनिस्टर ने मुझ पे डिफेमेशन केस को, वहाँ भी उसको मुंह की खानी पड़ी। मैं ये कहता हूँ ना, खुदा के नज़दीक वो सच्चा केस था कि जो जो लोग उसके अंदर मुलव्वस थे वाकई पीर हामिद सईद कादमी साहब, मतलब उसके अंदर पूरे पूरा पैराफिनरी, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड के अंदर जो है उसको नाक किया गया। वजह क्या थी? हमारा 2,00,000 का वकील हाई कोर्ट में पेश हुआ और उनका 5 करोड़ का हुआ, 5 करोड़ ने जो है उसको, मतलब है कि सिर्फ उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन सऊदी अरब से आए थे या दूसरे टेक्निकल ग्राउंड थे उसके ऊपर जो है उसको, उसकी वजह यह है कि दैट एविडेंस दैट वाज प्रोड्यूस दैट वाज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, दैट वाज ट्रू बट लेकिन उसकी एडमिसिबिलिटी के जो बेंच मार्क हैं उसको उन्होंने जो है लॉ ऑफ एविडेंस के मुताबिक जो है उसको नहीं किया। सर ये बताइए कि आप लोग नई ट्रेन कोई शुरू करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? सर मैं एग्जेक्टिव लेवल की ट्रेन लाइक आपका ML1 का जो मंसूबा है कब तक कंप्लीट होगा ये भी बता दें ताकि फिर मैं आगे जाऊं। सुन ले सर, बाकी बहुत सारे काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला फिर प्रोग्राम करें। एक बात में आपने मेरी दुखती हुई रग को या नवस पे हाथ रख दिया। जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले इन्वेस्टर हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं उनको अपने जो बिजनेस मैंने अमेरिका में कर रहा हूँ यहाँ पे नहीं, उसकी विजडम या उसके तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि इस्लामाबाद से मरी तक जो है फास्ट ट्रेन चलाएं, हम आपको लैंड एक्वायर करके देते हैं, बिस्मिल्लाह करके चलाएं, और अगर नुकसान होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। और ये पाकिस्तान दिस इज एन ओपन ऑफर मैं ऑफर है, इतनी बड़ी है कि अगर इस पर कोई सोचे, देखे ना ये ऐसा है, इस्लामाबाद से मरी ये सीजनल नहीं है,
परमानेंट, ये 24 घंटे जो आपकी ट्रेन चलती रहेगी, इसमें हमारी मुआवनत करें, हम सब कुछ आपका के लिए पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। BOT पे करें, JB पे करें, जिस तरीके से आप करते हैं, मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत का भी बहुत बड़ा कारनामा होगा, बल्कि मुल्क पाकिस्तान का, हुकूमतें आने जाने वाली चीज़ें, हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का बहुत बड़ा कारनामा होगा कि अगर ये चीज़ जो है हम कर दें। और मैं दावत रिजॉर्ट है, लोग बढ़ जाते हैं वहाँ पे, मैं दावत देता हूँ, आए हमारे साथ, हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, जमीन एक्वायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम कर जाएंगे अपनी बिजनेस की जिंदगी के अंदर कि रहती दुनिया तक जो है ये याद रहेगा, पाकिस्तान का प्रोडक्ट होगा। पहले दिन में आप फायदे में जाएंगे, पहले दिन से आपको फायदे में जाएंगे। एब्सोल्युटली सर। अब ये जी आजम खान स्वाति साहब की तरफ से एक ओपन एंडेड ऑफर है और रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान आकर इस्लामाबाद से मरी तक ट्रेन चलाना चाहते हैं तो लैंड देंगे और एक प्रॉफिटेबल शेयर के साथ, बड़ा ज़बरदस्त एक इन्वेस्टमेंट है ये मेरे लिए, तो मेरे लिए एक खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। सर सुना है कि वजारतें बदलने का सीज़न फिर आ रहा है। मुझे तो सर आपको ना पता हो ये कैसे हो सकता है। बात सुने ना, बुनियादी बात यह है कि ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि वही फैसला करते हैं अपनी टीम का, तो अगर वो फैसला करेगा तो इसके रास्ते के अंदर जो है कोई कानूनी शिक नहीं, कोई एक ऐसी आईनी शिक नहीं। इसमें कुछ है, प्रोग्रेटिव उनका है, प्राइम मिनिस्टर हैं, एग्जेक्टिव वो हैं, बट मुझे कोई क्राइटेरिया समझा दीजिए कि एक शख्स जो एक जगह पर काम नहीं कर पाया वो दूसरी जगह पर कैसे ठीक काम करेगा। चले दूसरी जगह भी ठीक नहीं कर पाया, दोबारा 6 महीने बाद दूसरी जगह पर आकर फिर कैसे ठीक काम करेगा। मैंने सुना है कि फिरदौस आशिक कमान साहब दोबारा विफाक में आ रही हैं। सर मुझे वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर PTI ब्लेम करती रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो खातून करप्शन की वजह से हटाई गई हैं, मुबैना करप्शन की वजह से। सर बात सर, मैं इन चीज़ों से इसलिए दूर रहता हूँ, मैं अपना चूंकि जिम्मेदार हूँ। मसरूफियत थी, मुख्तलिफ चीजें थी जिसकी वजह से, मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जब भी मतलब कोई तब्दील करता है या वो किसी को इन करता है तो बड़ी सोच समझ कर सकता है। मैं और आप उसकी जगह पे वो सोच नहीं कर सकते कि कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से। अब ये देखे ना, आपका जितने टीवी चैनल्स हैं उनको ज़रा देख लें, पूरा सोशल मीडिया देख लें, उनके सामने एक ही चीज़ थी, तनवीर इलियास और उसके अलावा जो है वो बैरिस्टर साहब सुल्तान साहब, ठीक है ना। मुझे एक चैनल बता दें, फिर दो और उन्होंने ऐड किया उसके साथ, लेकिन सर बाकी चैनलों ने एक चीज़ पर गौर नहीं किया ना क्या? कि प्राइम मिनिस्टर वो हो सकता है जिसका नाम एन से शुरू होगा। नहीं सर नहीं। आपके प्रेसिडेंट का नाम एन से शुरू होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम एन से शुरू होता है, आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का नाम एन से शुरू होता है, वज़ीर-ए-आला पंजाब का नाम एन से शुरू होता है, मतलब हमारी जो रिसर्च है ना सर, ये मेरा ख्याल है कि इसकी ढूंढ रहे होंगे एन नाम का बंदा जिसका नाम एन से शुरू होता है, उसका कोई दूर का भी तलक नहीं है। जाहिर है कि अपनी टीम जो है बड़ी सोच समझ के बाद, अपने दोस्तों की मशावरत के बाद वो करता है, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं कोई ऐसी चीज़ जो है होने जा रही है। अगर होगी तो जाहिर है कि भाई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है मेरी कल मुलाकात हो जाए। जी अच्छा, अभी तक आपकी आपके नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। रिंग रोड स्कैंडल का कुछ नहीं निकला सर, लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फेयर ट्रायल होगा, लोग कहते हैं कि इसमें बचाया गया है अपने गवर्नमेंट के लोगों को। डू यू थिंक गवर्नमेंट के लोग कौन कैसे बचा सकते हैं? अगर आज हम बचाएंगे कल हमारी हुकूमत नहीं होगी, क्या ये सारी चीज़ें जिंदा नहीं है? जिंदा नहीं होगी, बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कि ज़ाहिर है मुझे यकीन करें मेरी नालायकी या लाइल्मी कि मुझे ये पता नहीं है कि ये रिंग रोड कहाँ से शुरू होना था और कहाँ जाना था, कहाँ और किस वक्त से शुरू होना था, किस वक्त तो ये भी नहीं पता कि बन भी रहा है सिर्फ कागजों के ऊपर है। लेकिन मैंने आउटसाइड जो लोग हैं जी, जो आपकी तरह जीरक हैं, समझते हैं कि इस्लामाबाद के लिए कौन सी चीज़ बेहतर होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी रिंग रोड हो, मुझे अब ये भी पता नहीं कि पहले कहाँ जा रहा था और अब रहा है, लेकिन रिंग रोड ज़रूर होना चाहिए। मतलब मेरा ये ख्याल है कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी फैसला करके, अगर रिंग रोड, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आम लोग कह रहे हैं ना, मुझे कोई पता नहीं,
क्योंकि मैं डेवलपर नहीं, लैंड होल्डिंग नहीं, इसलिए जो है मैं ये नहीं कह सकता कि ज़रूरत है या नहीं। आम लोगों की ज़बान के अंदर है, और मैंने कैबिनेट में ये बात की है कि हम देखें कि अगर रिंग रोड, और रिंग रोड दुनिया के अंदर जो है हर जगह होते हैं, मैं शेंडू की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे छवां रिंग रोड जो है बन रहा है, और उस दिन जो है मेरे हाल में किसी वज़ीर साहब ने, वो पता नहीं कौन से वज़ीर थे, मुझे सही नाम नहीं और ग़लत में लेना नहीं चाहता, उसने बड़े एक अच्छा आइडिया दिया। उसने कहा जी कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है जब कोई अपना इस किस्म का प्रोजेक्ट बनाती है तो वो देखती है कि कहाँ पे कमर्शियल जो है लैंड यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर मकसद के लिए, तो वो जहाँ जगह खरीद कर फिर उसको किराए पे या जेवी पे वो जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होगा कि जो भी रोड बन रहा है इस वक्त जहाँ जहाँ से जा रहा है, तो हुकूमत चाहे तो उसको जो चार कोने होते हैं ना जहाँ से एग्जिट लेना पड़ता है, जब वो कीमती जगह होती है, उसको वो खुद ले ले और फिर वो डेवलप करके दे। ये एक आइडिया फ्लोट हुआ था, अच्छा आइडिया, बड़ा अच्छा आइडिया, ताकि इस गंदगी से जान छूट जाए। दूसरा, जिस तरह आम लोग कह रहे हैं कि रिंग रोड पहले वाला या रिंग रोड बाद वाला, मुझे न पहले की तस्वीर का पता है न दूसरे की तस्वीर का पता है, लेकिन इस इन लेकिन दोनों मेरा के बीच में करप्शन का एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं, लेकिन रिंग रोड मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की मतलब है कि जरूरत तो है, इस किस्म का रोड जरूरत है, इस्लामाबाद कैपिटल की जरूरत बन चुका है, मेट्रो से भी ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं सिर्फ जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि इसको ज्यादा देर तक उसकी वजह ये होल्ड नहीं करना चाहिए। वजह मैं बताता हूँ, वही लोग कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, कि आज अगर 100 मिलियन उसकी कास्ट है, एक साल के बाद 150 मिलियन होगी और उसके बाद 200 मिलियन होगी। जाहिर है कि ये हुकूमत के टैक्स का पैसा, मतलब पब्लिक के टैक्स का पैसा होगा, इसलिए इसको ज्यादा देर जो है ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर फैसला करके जहां से भी वो बनाना चाहें, मेरा ख्याल है उसको बनाना चाहिए। तो आजम खान स्वाति साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, सेनेटर आजम खान स्वाति साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जरा एक क्विक कमेंट कर दीजिएगा, ये जो कब्जे किए हुए हैं जमीनों के ऊपर रेलवे के आसपास, क्योंकि अब जमीन की बात हो रही थी, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट आपको यकीनन सपोर्ट कर रही है, इसके अलावा सर इतना कुछ कर रहे हैं कि मेरा ये ख्याल है कि हर हफ्ते या हर दिन जगह जगह पे जो है करना, इसलिए हम कह रहे हैं ना, इसलिए ये कह रहे हैं, अगर आपके पास वक्त है तो मैं इसको इस तरह बताऊं। मेरे पास और सवाल बहुत हैं, इसलिए अच्छा मैं आसान इसको जल्द जो है जवाब दे दूं कि खुदा रा अदालतें फैसला करें कि इस फालतू ज़मीन का 186,000 एकड़, बहुत बड़ा रकबा है, इसका कुछ करें। ये जो आपका रॉयल पाम है 146 एकड़ के अंदर है, कम से कम 50 अरब पाकिस्तान का खर्च हुआ है। अदालतों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर फैसला करें ताकि जल्दी किसी बिडर को जो है दे दें। इस वक्त केयर टेकर रखा हुआ है, उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट या लास्ट का नहीं है, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसको जो है दें, आउटसोर्स करें, जेवी पे दें, जिस भी दें। इसी तरीके से जो ऑपरेशनल यूज से हमारी फालतू ज़मीन है, ये रोजावेल्ट हैं जगह जगह पे, इसका कोई तरीके कार जो है अदालत है, हुकूमत है, वो बयान करे, ताकि ये ज़मीन, और अब रेलवे नहीं करेगी, कोई और डिपार्टमेंट करे, लेकिन हम देने के लिए तैयार हैं, ताकि इससे आपके यकीन करे इतनी ज़मीन है कि आपके IMF का कर्जा इससे दूर हो सकता है, उतर सकता है, बशर्ते कि इमरान खान को कोई काम करने दे। मैं हकीकत कहता हूँ, कौन नहीं करने दे रहा, माफिया सर, जगह जगह से स्टे ऑर्डर आ जाते हैं, क्या करें, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर स्टे ऑर्डर ना हो तो ये जो रावी का प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगा, जो वाल्टन का प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान की, मतलब पूरे लाहौर की या पंजाब की तकदीर को बदल देगा मालियाती तौर पर, आपका करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसे पूरा होगा। इसलिए खुदा रा इस मुल्क के पाकिस्तान को सोचिए, मीडिया को भी कहता हूँ सर, मीडिया को भी कहता हूँ कि क्या एक इन्वायरमेंटल सर्वे के लिए जो अगर कोई स्टे ऑर्डर दे देता है, सही कह रहे हैं, तो उस पे तो क्या नुकसान, यही जो रोजावेल्ट का मसला है, रोजावेल्ट क्यों नहीं हुआ, PIA क्यों नहीं आउटसोर्स, इसी वजह से नहीं हुआ, अंदर के जो मामलात है और बाहर का जो है
ये नहीं, आपने आपने सर लाहौर का तस्करा किया तो शहर लाहौर और तख्त लाहौर से वाबस्ता शख्सियात का भी तस्करा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह सर, सर बिस्मिल्लाह इसलिए कि अब वो उनको वीज़े में तौसी नहीं हुई, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई मियां नवाज शरीफ साहब की। हुकूमत कोई कोशिश कर रही है उनको पाकिस्तान वापस लाने की, क्या पॉसिबिलिटी है? सर मैं एक और सवाल, क्या ये लीडरशिप है? क्या लीडरशिप के जो एलिमेंट होते हैं यही होते हैं कि इस मुल्क और कौम ने, इस गरीब मुल्क ने आपको दो मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाया और वो खातून जो है आप जगह जगह जो बातें कर रही है, तीन मरतबा नवाज शरीफ साहब तीन मरतबा बनाया और बाहर जाके जो है आप मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ सियासत कर रहे हैं, क्या फायदा होगा आपको? और जिस जबान से आपकी बेटी जो है खिताब कर, उनको ले गए हैं ना सर पाकिस्तान में, हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आए ताकि उसकी लीडरशिप का दूध और पानी का पानी हो जाए, वो फेस करे ना। क्या दुनिया में बाकी लोगों ने जो है 50-50 साल जो है जेलों में नहीं गुजारा? अगर लीडरशिप है तो लीडरशिप इस तरह है ना, मौत और जिंदगी से मर रहे हो। हमने तो पहले कहा था कि हमने इसकी सेहत के ऊपर जो है सियासत नहीं करनी, लेकिन उसको आना चाहिए। अदालतें कह रही हैं कि भगोड़ा है। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इलाज की गर्ज से अगर उन्हें लंदन से कहीं और दूसरे मुल्क जाना पड़ा तो हम वहां ले जाएंगे। तो ये कौन सी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं? बादशाह यही खाकान अब्बासी है। पीआईए डूब रहा है और एयर ब्लू जो है ऊपर जा रहा है। ये जो टैक्स बता रहा है, मुझे आके बताया ना कि मैं बिजनेस करता हूँ अमरीका में, जाके वहां पे जो टैक्स देता हूँ, जाके देखे वो मेरा और मेरे बच्चों का और बहू का और साहब का, कि मुल्क को तबाह कर दिया है आपका एयर ब्लू ऊपर, और यहाँ जो है कसमें खा रहे हैं कि हम दयानतदार हैं। मुझे उनकी कोई गरज नहीं है, मुझे उनसे कोई गरज नहीं, मुझे गरज जो है अपने लोगों से है, जमहूर से है। इनको ये देखना चाहिए, क्या ईरान में जाके ऐसा कोई लीडर खड़ा होकर बात कर सकता है? क्या किसी दूसरे मुल्क में जो है अपने इन्हीं अखलाकी कमजोरी और माली कमजोरी की वजह से बात कर सकता है वहाँ पे? लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि जमहूर नहीं समझता, इसलिए कि हमें अखलाकी तौर पर इतना नीचे चले गए हैं कि इन चीज़ों की हमें, हमारे सामने कोई कदर नहीं है। थोड़ा सा हमारे कवानीन और इंस्टीट्यूशन में भी सुकम है कि हम उनको इस तरह के लोगों को वापस नहीं ला पाते, जब यूएन की तरफ से तमाम करारदादें मौजूद हैं, इदालत जब वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, एसटीएआर के नाम से एक एग्रीमेंट है स्टोलन एसेट रिकवरी का, वर्ल्ड बैंक का एग्रीमेंट है, वो मालिक जहाँ से लोग पैसा लेकर बाहर ले जाते हैं और बाहर जाकर मुकीम हो जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए बाकायदा वाइट पेपर जारी हुआ है, पाकिस्तान क्यों चुप बैठा है इसके ऊपर? सर अगर ये इंग्लैंड का लीडर होता, ये अमेरिका का लीडर होता, कनाडा का लीडर होता, जर्मनी का लीडर होता, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खातून थी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको न लेके आते। लेकिन हमारी कमज़ोरी है जिसकी वजह से हम अभी तक नहीं ला सके, आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब मुल्क जो है, गैर तरक्की याफ्ता मुल्क, आज तो इमरान खान की वजह से, इस लीडरशिप की वजह से दुनिया पहचानती है कि कौन लीडर इसको जो है हेड कर रहा है, लेकिन वही हमारी माली कमज़ोरी जो है हमारे रास्ते के अंदर आ रही है, हमारी कानूनी कमज़ोरी, हमारी अखलाकी कमज़ोरी हमारे रास्ते में आ रही है, जिसकी वजह से अभी तक नहीं लग। लेकिन उनको शर्म नहीं आना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए एक कानून और हमारे लिए दूसरा कानून है, इसको क्यों जो है वापस नहीं भेजते, ताकि अदालतों में अपने उसके जो मामलात हैं, अगर वो बेगुनाह है तो बिस्मिल्लाह, अगर गुनाहगार है तो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। ये तो ये आम आदमी को तो आप सजा देते हैं। ये तो एजे का इलेक्शन देख लेना, अभी हम उस तरफ लगे हुए हैं कि भाई ईवीएम और सारा यहाँ पॉलिटिकल राइवलरी के मामलात और पॉलिटिकल राइवल्स के हवाले से जो बातें हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो कल के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, आज आपकी कैबिनेट का हिस्सा है मोनिस इलाही साहब, परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं वो, परवेज इलाही साहब जिनके मुताले खान साहब फरमाते थे कि ये तो पंजाब के चोर और डाकू हैं, इनको मैं अपने साथ कैसे बिठाऊंगा, तो आज आपने उनको भी वजीर बना दिया, तो ये भी तो फेल का तजाद कहीं ना कहीं है या मजबूरी है आप लोगों की? सर बुनियादी तौर पे जो हमारा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, ये उसकी खूबसूरती है या डेंट है? नहीं, मैं आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं, मजबूरी है देनी है, आपने मेरे मुँह से कहलवा दिया। मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर है कि उस वक्त एक फैसला किया, मजबूरी है ना सर, उस वक्त एक फैसला किया गया और उसको हानर करने के लिए कम से कम ऊपर वो बैठा हुआ है, वाच कर रहा है, इमरान खान वाच कर रहा है कि कौन मिनिस्टर क्या कर रहा है, कौन मिनिस्टर जो है, मैंने वही बताया ना कि हम अपने टर्म की अकाउंटेबिलिटी के जिम्मेदार हैं, हम पिछले उस
जो जो बैगेज है उसके ज़िम्मेदार नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ये मौका देना चाहिए। मुनीस सलाई एक पढ़ा लिखा इंसान है, हो सकता है कि हमारे साथ जो आया सर, है सर, ये गुज़िश्ता टर्म्स के बैगेज की बात नहीं है, ये अपने बयानात का बैगेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, उसको आप तो एडमिट करें ना, या वो बयानात गलत थे या अभी जो एक्ट है वो गलत है। हमने सर अपनी अकाउंटेबिलिटी का, मुनीस सलाई जो है इंशाल्लाह ताला कल या परसों जो है वो बाकायदा तौर पर अब इन हो चुका है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, है तो वो बड़ा डिसेंट एंड यंग गाय, ही इज अ यंग गाय, और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इस दो साल के अंदर जो है वो अपनी कमांडिंग तजर्बे की बुनियाद पर, पढ़ाई लिखाई के बैकग्राउंड की बुनियाद पर एक अच्छा रोल जो है वो अदा करेगा इंशाल्लाह। राइट, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का तकरर हुआ, मुज़्ज़ा वहाब साहब को रख लिया गया वहाँ पर। यहाँ पर जब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए और पीटीआई को यहाँ पर अक्सरियत मिली है, तो फवाद चौधरी साहब और दीगर की जानिब से ये कहा गया कि अब अगला पड़ाव हमारा सिंध का है, और सिंध वालों ने ये किया कि अपने ही बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। मेरा भी उसमें नाम शामिल कर देना। फवाद अच्छा, आपने भी कहा था, आई रिमेंबर, के साथ इमरान इस्माइल के साथ, हाँ जी, और अपने जो है वो हलीम आदल शेल के साथ मेरा नाम भी शामिल करें। मैं भी इंशाल्लाह कराची जा रहा हूँ। अच्छा, आप भी जा रहे हैं वहाँ पे? बड़े बड़े हम इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट करेंगे। देखें जी, सिंध को आज़ाद करना इमरान खान के इस तहरीक का एक इंतहाई अहम कड़ी होगा। मैं अब बताता हूँ, आप लोग गवर्नर राज ला रहे हैं, गवर्नर राज से होगा? नहीं सर, नहीं, या पब्लिक मोटिवेशन से? पब्लिक मोटिवेशन से हमने अब अर्बन जो लीडरशिप है उसको उठाना है सर, इसलिए कि इस कारोबार को ख़त्म, ये गोटकी में गया था ना इसके अंदर, मैंने उन छोटे छोटे शहरों की हालत जो देखी, डहर की गोटी, जोड़ के अंदर लोग जो है करोड़ों रुपए की कोठियों में बाहर जो है रोड स्टे के पैसे खा गए, अस्पतालों की हालत देखी, मैं बता नहीं सकता कि मेरी लाशें कहाँ रखी थी। वहाँ से मैं उठ के रहीम यार खान लेके आया, वहाँ निस्बतन बेहतर हॉस्पिटल है सर, ज़मीन के ऊपर रखी हुई थी, लिटरली ज़मीन के ऊपर, अल्फिया कहता हूँ सर। ये जो सिंध पंजाब बॉर्डर है ना, सादकाबाद से आगे दुनिया ही बदल जाती है, उस तरफ तो दुनिया ही अलग है। मैं यही कह रहा हूँ ना जी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वो नहीं है अब, उससे जान छुड़ाने के लिए लोग गुलामी की जंजीरों के अंदर हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का बहुत बड़ा एक मार्का, एक तारीखी मार्का होगा कि सिंध के लोगों को गुलामी की जंजीरों से उनकी जो है, जिस तरीके से हम कहते हैं ना जम्मू कश्मीर, यही हाल यहाँ पे है सर। यहाँ पे इस जमहूरी निज़ाम के अंदर जो है जो लोग वहाँ पे जो है मुंतखब होके रूलर से आए हैं, इनसे अगर हमने जान छुड़ाई तो यकीन करें, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह इंसानियत की खिदमत इमरान खान कर रहे हैं, सबसे बड़ी पाकिस्तान के और सिंध के लोगों की खिदमत होगी कि इस माफिया से जो है जान छूट जाएगी। और उसमें मैं आपको आज कहता हूँ, मैं अपना कुलेदी रोल इंशाल्लाह ताला अदा करूँ। और उस माफिया के हवाले से अगर नून लीग के एक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सेनेट के अंदर स्पीच करते हुए ये कहते हैं कि दो साल बाद मुमकिन है इंतखाबात हैं और मुझे पीपल्स पार्टी उसमें हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है, तो फिर मैं क्या करूँ उसके? कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं। दिस इज द क्लोजिंग रिमार्क्स, क्लोजिंग रिमार्क्स जनाब सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वफाकी वजीर बराए रेलवे। सर आप एक्सक्लूसिवली आज हमारे पास तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक अभी तक लोगों का यही ख्याल है कि वो एक डूबा हुआ अदारा है, लेकिन तकरीबन पिछले कोई 8 महीने से 9 महीने से जिस अंदाज से काम हो रहा है और अब डेडलाइन अगर दी गई है तो यकीनन इसके पीछे कहीं काम हो रहा है। दिसंबर 2021 भी दूर नहीं है, तो फिर जब जनवरी आएगा तो फिर यही स्टूडियो होगा और आज़म खान स्वाति साहब हमारे साथ बैठे होंगे, एंड आई होप कि उसमें बहुत सारी बेहतरी या काम हो चुका होगा। बहुत दिनों तक आज की इस नशिस्त इतना ही, जमील फारूकी को प्रोग्राम से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।